झांसी नगर निगम बनने के बाद पहला मेयर कांग्रेस पार्टी का था और इस बार कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं अरविंद कुमार बबलू और मसीहागंज में हैं, प्रचार कर रहे हैं। आखिरी दिन है, धुआंधार प्रचार चल रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। धुआंधार प्रचार में आज सुबह से बड़ी मशक्कत कर रहे होंगे आप लोग प्रचार में? जी, बहुत मशक्कत हो रही है और लगभग चुनाव अंतिम समय पर है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। जी, मज़ा आ रहा है, लेकिन मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हमारे ग्रहकर को लेके है, पानी को लेके है, डोर टू डोर कलेक्शन को लेके है, पार्किंग को लेके, जो कम से कम 10 साल से यहाँ पे बीजेपी के महापौर रहे हैं और इस समस्या को उन्होंने दूर नहीं किया है। तो समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे अगर आपको झांसी की जनता जो है मौका देती है? झांसी की जनता यदि मौका देती है तो हमने 15 वर्ष यहाँ नगरनिगम में पार्षद रहे हैं और कंटिन्यू आप हमारा क्षेत्र देखिए, विगत विपरीत सरकारों में जैसे सपा बसपा बीजेपी में हम पार्षद रहे हैं और हमारे एसआरयू क्षेत्र को देखिए हमने किस प्रकार से वहाँ विकास कार्य किया है, उसी के आधार पर पार्टी ने हमें महापौर का टिकट दिया है। आपके मुद्दे अगर प्राथमिकता के तौर पर देखे जाए तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप गए हैं और आज किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन? एक्चुअली क्या है, देखा जाए तो बीजेपी सरकार ने जनता के ऊपर अत्यधिक कर लगा दिया है, जैसे चाहे पानी का हो, चाहे गृह कर को लेके, चाहे डोर टू डोर का है, अत्यधिक टैक्स लगा दिया, उन्हीं जो है मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता से रिस्पांस क्या मिल रहा है, क्या जनता किस चीज़ से त्राही त्राही कर रही है? जनता ने हमें हर पूर्व से आश्वासन दिया है और अब ये तो आने वाला 13 तारीख बताएगा कि रिजल्ट क्या होगा। सब प्रत्याशी भविष्यवाणी करते हैं, आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, कितने वोटों से जीतेंगे? अब इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि ये चुनाव हमने नहीं, आप लोगों ने लड़ा है, हमारी क्षमता नहीं थी चुनाव लड़ने की, पर आपने उस लायक बना दिया कि हमने खुद नहीं सोचा था कि हमारा चुनाव ऐसा होगा। लगता है जीतेंगे? 100%। किससे टक्कर है आपकी? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जनता आशीर्वाद दे रही है, 100% आशीर्वाद दे रही है। अरविंद कुमार बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि उनके मुद्दे उनके क्लियर हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तमाम जगहों पर निकल रहे हैं, मसीहागंज में हमने इनको पकड़ा है जहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाउस टैक्स वाटर टैक्स प्रथम इनका प्राथमिकता के तौर पर मुद्दा है जो जनता के बीच लेकर गए हैं। झांसी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।